हेलो गाइस, सो मैं अपनी मौसी के लड़ाई होगी गाइस, लड़ाई होगी। सो मैं अपनी मौसी के घर गई हुई थी और वहां से मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा से हल्का सा पहाड़ी वाला एरिया है, मुझे अतरे में बस नहीं मिली। तो थैंकफुली मुझे एक भैया मिल गया जिन्होंने मुझे यहाँ पे लिफ्ट दे दी। सो अभी मैं घर वापस आ रही हूँ और मेरे को थोड़ा सा चलना है। एंड आज थोड़ा अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे है नदी जो इस टाइम पे पूरी सूख चुकी है, बट ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ठंड हो गई और यहाँ नहर के पास से क्रॉस करते रहे ना ब्रिज पे, इतना ज़्यादा कोहरा होता है और ठंड होती है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आई एम वेयरिंग 3 layers, 1, 2, 3, तब भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अगर इसके ऊपर से निकलना हो ना तब तो हो गया। और ये है मेरे गांव में एंटर करने का रास्ता एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। अभी ना एक दो दिन से आई डोंट नो क्यों, मे बी रील्स की वजह से या जो भी, मेरे दिमाग में ना एक गाना बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे गूंज रहा है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू मी बट योर माय लव, माइन ऑल माइन ऑल माइन। अभी मैं घर जाके खाना खा के जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि कल दिवाली है और मुझे सुबह सुबह उठ के पूजा करनी है। गाइस गुड मॉर्निंग, सो अभी सुबह सुबह मैं नहा धो के पूजा करके रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज दिवाली है। सबसे पहले हमारे ना घर पे ट्रेडिशन है कि हम लोग चावलों को पीस के देन वो वाले वाइट कलर से रंगोली बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी वो बनाऊंगी, देन उसके बाद मैं लाइक साड़ी वाड़ी पहन के एकदम रेडी हो जाऊंगी दिवाली के लिए। राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस। पर उससे भी पहले हम खाएंगे खाना। दादी ने मेरे लिए बनाई है चपाती और साथ में परांठा, यह गोभी और साथ में बूंदी वाला दही। तो हमारे पास ये पीसे हुए चावल है, ये हल्दी है और ये सिंदूर है, ये यहाँ पे डालेंगे और ये इसमें डालेंगे। स्माइल करो इंगा, स्माइल करो। अभी तो दादी ये सारे नींबू काट रहे हैं क्योंकि उन्हें नींबू का अचार डालना है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वाला ज़्यादा टेस्टी नींबू का अचार डालती हैं एंड बाकी सारे अचार भी। सो अभी रंगोली तो कंप्लीट हो गई है एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी एंड आई एम लिटिल कंफ्यूज कि मुझे लहंगा पहनना चाहिए या फिर आई शुड वेयर साड़ी। ऐसे लहंगा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि साड़ी यू हैव टू यू नो हैंडल ऑल द ड्रेप्स एंड ऑल, बट लेट्स सी, मतलब मेरा मन साड़ी पहनने का ज़्यादा है। 2 hours later. Let's start with lipstick. और इसका शॉपनर गुम हो गया। और सोना बब्बा तैयार हो गया। अभी नहीं। क्योंकि ज्यादातर वीडियोस में वही पहनते हैं। फर्स्ट
हमें ये साड़ी ऊपर से ऐसे करके पकड़नी, ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे। मैं पजामा के ऊपर ही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अच्छे से टक इन कर लिया। देन दिस और ये हम टेढ़ा करके बस हो। फिर उसके बाद हम इतना फैब्रिक छोड़ देंगे। एक दीदी थे, उनकी लाइक ट्यूटोरियल था, वैसे मैं ऐसे बांधती नहीं हूँ बट उनके ट्यूटोरियल में था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो ऐसे करके ये लगाई हमने गांठ। ओके, देन उसके बाद हमने ऐसे छोड़, देन हम बनाएंगे प्लीज। तो ये जो गांठ है ना, इसको हम डालेंगे इधर और ये ऐसे करके यहाँ से पकड़ के इसे। ओह नाइस, दिस इज एक्चुअली कूल। मेरा दीवाना ताल पे जब जुमे कदम, हिचकिचाना शर्माना क्या, ओ एक लख हक पर देसी देसी गर्ल, who's the hottest girl in the world, मदेसी गर्ल। So guys, this is my final look. I'm gonna drape my saree like this. बट अभी मैंने आई मेकअप कर लिया है, बट मैं आई शेडो लगाना भूल गई थी तो अभी मैं बस लगा रही हूँ। सो आई एम गोना मिक्स दिस एंड दिस एंड पुट इट लाइक दिस। ये है हमारी रंगोली जिसके ऊपर हम अभी ये यहाँ पे रखेंगे। एक्चुअली ये हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं और इसे हमने एकदम साफ करके रख दिया है। और इसके ऊपर रखेंगे हम ये दिए ऐसे। और साड़ी से वापस मैंने अपने घर वाले कपड़ों में चेंज कर लिया क्योंकि अगर वो गंदी हो जाती ना तो दादी से मुझे बहुत डांट पड़ती। ये दिए भी हमने एकदम कली धो के साफ करके रख दिए थे और ये हम रखेंगे अभी इन सब के ऊपर क्योंकि हम रंगोली और ये दिया इन सब की पूजा करते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ क्योंकि शाम को लाइक आई हैव टू डू पूजा एंड ऑल और साथ में थोड़ा फैमिली टाइम। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको पूरे ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा।